टाइम हो गया ऋतिक, कहाँ है तुम्हारे दोस्त का यॉट? बस आ रहे हैं हम लोग निशा। ये तो मैं पिछले एक घंटे से सुन रही हूँ। बस पहुँच जाना निशा। ये क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी, वेट यार, सॉरी। उदय, पागल हो गया क्या यार? अभी हम गिरने वाले थे। मेरी बात सुन, जो भी दिल में है जाके उसको बोल दे अभी। सच में? अबे जा, यही मौका है शेर, मार दे चौका, जा मर्द बन मर्द। यार तू बोट संभाल। मैं बोट संभाल लूंगा, तू लड़की संभाल। आराम से, आराम से। पागल हो गए तुम? एक तो हम इतना दूर आ गए, ऊपर से यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली अच्छा ही है ना, देखो कितना रोमांटिक वेदर है। तुम्हें रोमांस की पड़ी है? वहाँ मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी छोड़कर आई हूँ और यहाँ तुम्हारे दोस्त की पार्टी का अता पता ही नहीं है। निशा, एक्चुअली ना तो मेरी फ्रेंड की कोई यॉट है और ना ही कोई पार्टी। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे नहीं नहीं, निशा 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 नहीं, अरे अरे बी केयरफुल बी केयरफुल। निशा एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जितना चाहे मार लेना। ठीक है बोलो। निशा एक्चुअली यू नो आई, मैं तुमसे बहुत शायद कोई जहाज होगा। गाइस, ये क्या है, ये क्या है? यार 3 बज गए, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है। यार क्या जरूरत थी ऋतिक को इतने समुद्र में आगे जाने की? कहीं उनकी नाव डूब तो नहीं गई? कैसी बात कर रही हो मीरा? उदय, ऋतिक, निशा, ऋतिक साहब, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा साहब। पर क्यों साहब? क्योंकि ये समुंदर की वो जगह है जहां पर जीवन और मौत के बीच का दायरा है साहब। इसके आगे मौत है, मौत। अरे क्या बोल रहा है तू? हम यहाँ ऋतिक को लेने आए हैं और उसे सही सलामत लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे साहब। ये खूनी दरिया है साहब, अगर आपका दोस्त अगर वहां पर गया होगा तो जिंदा लौट के कभी नहीं आएगा साहब। क्या मतलब साहब? आत्माएं बसती है वहां पर।
इसलिए मेरा कहना मानो और वहां पर जाने की जी छोड़ दो साहब। मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। अगर तुझे हमारे साथ चलना है तो चल, वरना यही समंदर में कूद जा। मैं नहीं जाने दूंगा साहब, मैं खुद भी नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाने दूंगा साहब। अबे चुप, हम वहां जाएंगे। अगर तुझे जाना है तो चल, वरना वरना तुझे यही गिरा देंगे। साहब बहुत पछताओगे आप लोग, बहुत पछताओगे। हट। मेरा अपनी फोन की लोकेशन चेक करो और चेक करो कि ऋतिक का फोन आसपास है क्या। यार ये फोन तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा। यार दोस्तों, अब हमें लौट चलना चाहिए, हमें कोस्ट गार्ड की मदद ले लेना चाहिए। ये सब तुम इसीलिए कह रहे हो क्योंकि ऋतिक तुम्हारा भाई नहीं है। जब तक मुझे नहीं मिलेगा वो, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मीरा, इंदर, वो देखो सामने कुछ है। भाई 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 भाई, भाई चप्पू मारो, भाई भाई जल्दी करो, जल्दी। उदय है भाई, पकड़े। मीरा, डैनी, भाई भाई इसकी सांसें चल रही है, ये जिंदा है। अगर ये यहाँ पर है तो ऋतिक और निशा कहाँ है? ऋतिक, निशा, निशा। सर, ये सब ऋतिक का प्लान था। हम लोग समुद्र में इसलिए गए थे ताकि ऋतिक निशा से अपने दिल की बात कह सके। हम लोग बहुत दूर निकल गए थे सर कि तभी अचानक वहां एक बहुत भयानक हॉर्न बजा और धुंध बढ़ने लगी। तभी हमने देखा कि एक नाव हमारी ओर बढ़ रही है। उस नाव पर से एक औरत मदद के लिए पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद इसने उस औरत को गोली मार दी और फिर एक मछुआरे को भी गोली मार दी। हाँ, तभी अचानक जिस मछुआरे को गोली लगी थी उसने आके निशा का हाथ पकड़ लिया और फिर किसी ने मुझे पानी में खींच लिया। सर, क्या पानी में खींच लिया? हाँ सर, पानी में गिरने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब आँख खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में था सर। सर, जो मछुआरा मंगू हमें समुद्र में लेकर गया था उसने हमें बताया था कि वो इलाका खूनी दरिया का है और वहाँ आत्माएं भटकती हैं। ये मछुआरा मंगू कहाँ रहता? मंगू को छोड़िए साहब, मच्छी खरीदना है मुझसे खरीदिए, मेरे पास ताजा माल है। अरे हम लोग सीआईडी से मच्छी लेने नहीं आए, मंगू का पता बताओ। साहब सीधे जाइए उजवा बाजूला। मैं काम करती हूँ, सोता रहे। ए मंगू, मंगू उठना। कौन आ गया? आ रहे बाबा, रुको। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से। मंगू है घर पे? मुझे पता था
जरूर कल रात इस मंगू ने कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए तो आज काम पर भी नहीं गया। आइए। अरे मंगू, सीआईडी भी आ गई घर पर, उठ जा। तो क्या हुआ साहब? कल रात कुछ बच्चे तुमसे मदद मांगने के लिए आए थे और तुम उन्हें समंदर में लेकर गए थे। हाँ, लेकर गया था सब, लेकिन मैंने मना कर दिया था उनको कि मैं गुनी दरिया वाले इलाके में नहीं जाऊंगा। क्या कल रात तुम वहां गए थे? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। ऐसा होता क्या वहाँ खूनी दरिया इलाके में? अब 2 साल पहले की बात है साहब, हमारी बस्ती में रघु नाम का एक मछुआरा रहता था। एक रात उस समुंदर के इलाके में गया और वहां पे डूब के मर गया साहब। डूब के मर गया? हाँ साहब, तब से कहते हैं कि रघु और उसके नाव की आत्मा हर रात उस इलाके में भटकती रहती है साहब। क्या रघु की आत्मा? हाँ साहब, उन बच्चों के दोस्तों को भी रघु की आत्मा ने ही नुकसान पहुंचाया होगा साहब। तो चलो फिर आज रात हम भी एक बार मिल लेते हैं रघु की आत्मा से खूनी दरिया में। हम ठीक उसी जगह पहुंचते हैं जिस जगह के बारे में हमें उदय ने बताया था। और वक्त भी ठीक वही है, रात के 1 बजे। मैंने सुना है रात को 1 बजे आत्मा की शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। बड़ी काम करते हो सीआईडी में और हमेशा आत्मा की बात करते रहते हो। पूर्वी, कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ। गुड। हाँ? सर, वो देखो सफेद रंग की नाव, जल्दी। ये नाव तो बिल्कुल खाली है सर। नहीं सचिन, खाली नहीं है। ये देखो, एविडेंस है, सूखा हुआ खून। इसका मतलब ये वही नाव है जिस पर उदय और उसके दोस्तों पे हमला हुआ है। सही है, देखिए यहाँ पर हेल्प मी लिखा हुआ है, खुरच कर। हाँ, ये ऋतिक या निशा ने लिखा होगा। लेकिन उन लोगों ने इनको क्यों मारा? इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। आत्मा दोस्ती दुश्मनी नहीं देखती। नहीं, मैं सुन रहा हूँ सब कुछ। अरे सर, ये तो वैसा ही हॉर्न है जैसा उन बच्चों को सुनाई दिया था। सचिन, नाव को इस तरफ ले जाओ। इतनी सारी धुंध। बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं सचिन, अभी नहीं। अरे उसे क्यों मार रहे? सर ये क्या हो रहा है? ये लोग गोलियां क्यों चला रहे? उदय भी तो यही बता रहा था, उसने जो जो कहा था वो सच साबित हो गया, सच साबित हो गया। इसे रोकना होगा। सर,
संभाल के खड़ी सही यहाँ पे संभाल के हाथ दो संभाल के हाथ दो संभाल के संभाल के ठीक हो ना ऐसा तो नहीं कि दया सर वो उस नाव के पीछे चले गए। चलो जल्दी चलो तो दया सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे और ना ही वो नाव कहीं वो नाव वाली आत्मा दया सर को अपने साथ तो नहीं लेगी। ठीक है पता करते रहो जैसे कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करो तुरंत। ओके ठीक है कुछ पता चला उस नाव का जिसके पीछे दया गया था? नहीं सर कोस्ट गार्ड को ऐसी किसी नाव के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। और दूसरी टीम को? नहीं सर कुछ भी नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार नाव समंदर से उड़ के आसमान में चली गई क्या किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है? पता नहीं दया किस हाल में होगा। सर उस मछुआरे रघु की कुंडली निकाली है जिसके बारे में हमें मंगू ने बताया था। क्या पता चला रघु के बारे में? सर वैसे तो रघु एक बहुत ही गरीब मछुआरा था मगर अपनी जिंदगी के आखिरी 5 साल उसने बहुत ही ऐश में गुजारे हैं। उसके पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया था और अपनी बस्ती के सबसे अमीर लोगों में उसकी गिनती होने लगी। कोई लॉटरी वॉटरी लगी क्या उसको? सर वो तो पता नहीं मगर उसने अपनी खुद की फिशिंग कंपनी खोल ली थी और विदेश में मछलियों का बिजनेस करने लगा था। अचानक पैसा आया और फिर 2 साल पहले मारा गया। 2 साल पहले उसकी और उसकी बीवी की लाश समंदर में पाई गई। दोनों को गोली मारी गई थी। पुलिस ने तहकीकात की पर खूनी पकड़ा नहीं गया था। सारा पैसा गायब था जहाज से भी और घर से भी। सर लोगों का मानना है कि रघु के साथ काम करने वालों ने शायद उसे धोखा दे दिया और बदले की आग में उसकी आत्मा तब से समंदर में ही भटक रही है। अच्छी कहानी है शायद उसी ने फैलाई है जिसने रघु को मारा है। कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है रघु की मौत का और इस केस का। आगे की कड़ी रघु के नाव तक पहुंच के ही मिलेगी। अरे भाई साहब ये रघु की नाव कहाँ मिलेगी? रघु कौन रघु साहब? अरे वही रघु जिसकी मौत हो गई थी 2 साल पहले जिसकी नाव के ऊपर माला लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा उस रघु की बात कर रहे हैं आप? उस रघु की नाव नाला गार्डन जेट्टी के पास मिलेगी आपको। सर वो रही रघु की नाव। भाई साहब सुनो इधर ये बताओ कि ये नाव इसी तरह यहाँ खड़ी रहती है या फिर रात में कोई इसे समंदर में भी लेके जाता है? मैंने तो 2 साल से इसे यहीं डेरा जमाए खड़ी देखा है। मैंने तो कभी इसे समंदर में देखा नहीं। सर फिर हो सकता है कि इसके जैसे ही दिखने वाली दूसरी नाव को कोई समंदर में ले जाता होगा। हाँ श्रेया बिल्कुल ऐसी ही नाव उसके ऊपर माला भी लिखा हुआ है। हेलो क्या थैंक गॉड ठीक है हम अभी आते हैं। क्या उषा? सर दया सर का पता चल गया। अच्छा बाय दया सर। दया दया हाँ हाँ कैसे हो यार? कौन? Thank you.
मैं अभिजीत है, तुम्हारा दोस्त। ये आवाज सुनाई दे रही तुम्हें? कैसी आवाज सर? कोई रो रहा है, कोई औरत मुझे मदद के लिए पुकार रही है, मुझे जाना होगा। अरे एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आवाज नहीं है यहाँ पे, कोई औरत नहीं है। शांत रहो, तुम्हें भी आवाज सुनाई देगी। सुनो दया सर, ये क्या हो गया आपको? अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो मुझे हिम्मत कौन देगा? टापू यस, टापू पे जाना होगा। वो टापू दया होश में आओ। अभी वो मछुआरा यहाँ पर था, मछुआरा, वो लड़की भी यहाँ पर थी। सर यहाँ कोई नहीं आया सर, ये आपका वहम है। कोई वहम नहीं है, कोई वहम नहीं है। वो दोनों यहाँ। एक बेटा सर, थोड़ा सर प्लीज आप उन्हें रेस्ट करने दीजिए, ज्यादा स्ट्रेस इनके लिए सही नहीं। हाँ सर, डॉक्टर साहब एक मिनट सर, ये कैसे, कब तक चलेगा, कब ठीक हो जाएंगे ये? सर देखिए, मुझे इनके ब्लड में काफी मात्रा में बैटिक क्लोरोजिन नाम का एक केमिकल मिला, जिसकी वजह से इंसान काफी अजीब अजीब चीजें इमेजिन करने लगता है और उसे हेलोसिनेशन होने लगता है। इसके असर से निकलने में इन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। सर ये केमिकल उस धुन पे होगा सर। ठीक कह रहे हो पूर्वी, मछुआरे से मिलते जिसने दया की जान बचाई है। रमेश थैंक यू वेरी मच, तुमने दया की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। इसमें उपकार की क्या बात है साहब, हमने तो वही किया जो हमें इंसानियत सिखाते साहब। दया सर आपको कहाँ मिले? वो क्या है साहब, कल रात जब हम मछली पकड़ने गए थे ना। ये रमेश आप बोलना। अरे मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तू अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में क्यों करा रहा है? क्यों, क्या हुआ? अरे यार वो लड़की है। हाँ तो पढ़ लिख के क्या करेगी, आगे चल के तो उसे चूल्हा चौकाई तो संभालना। ये बहुत गलत सोच आ रही है तेरी। अरे लड़का और लड़की आजकल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और समाज का निर्माण भी तो लड़की करती है, तो फिर ये लड़का और लड़की में भेदभाव क्यों कर रहा आर्या? मैं तो कहता हूँ तू भी चल और अपने मुनिया का दाखिला स्कूल में करा। तेरी बात में तो दम है। ए रमेश, हाँ वो देख, वो क्या? ए भगवान, लगता है किसी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली, समुद्र में कूद के। चल 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 देखते हैं, शायद उसकी सांसें चल रही है। चल रमेश, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बोल। जरूर, थैंक यू सर। अगर ये केमिकल उस धुंध में था तो इसका असर हम सब पर क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है तुम लोग उस नाव के उतने नजदीक नहीं गए जितने दया गया था। शायद रितिक और निशा भी काफी नजदीक चले गए होंगे उस नाव के। हो सकता है, पर वो लोग हैं कहां? देखो अखिल, अच्छे तरीके से ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है,
सर, दूसरे तरफ के गोताखोरों को कुछ नहीं मिला। मान सर, ये देख, गोताखोरों ने समुद्र में यहाँ से यहाँ तक का इलाका छान मारा है, उन्हें कुछ नहीं मिला। अब यहाँ से यहाँ तक का इलाका ये सब छान मार रहा है। तो बहुत बड़ा इलाका है, इसको ढूंढने में तो 3-4 दिन लग जाएंगे। कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा उन खूनियों तक पहुँचने के लिए। समंदर के उस हिस्से में जहाँ पे नाव का आना जाना नहीं है, वहाँ पे आत्मा का आतंक फैला दिया है, ये कुछ और ही चक्कर है। वंच, दबाना खुल देना। ओ, ये चक्कर है। क्या हुआ सर? वो दया बड़बड़ा रहा था ना टापू टापू, लगता है ये वही टापू है। अगर ये वही टापू है जो दया ने बताया था तो यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। फैल जाओ चारों तरफ। सर ये देख, यहाँ की जमीन हाल ही में खोदी गई। वंश, रबोट से कुछ खोदने का सामान लेके आ। सर। एक 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 मिनट, थोड़ा आराम से, यहाँ से निकाल। सर, तो ऋतिक और निशा ही है। सर ये देख, चाकू से मारा है दोनों, और सिर्फ एक घाव नहीं, कई सारे घाव, ये गर्दन पे, हाथ पे। सर इसे चाकू से मारा है, इससे तो साबित होता है कि ये किसी आत्मा का काम नहीं है। ये आत्मा वार्ता होती ही नहीं निखिल, सब ड्रामा रचा जा रहा है ताकि इसकी आड़ में कोई गैर कानूनी काम किया जा सके। हाँ सर, कोई ऐसा गैरकानूनी काम जो शायद इन बेचारों ने देख लिया था। तो गैरकानूनी काम क्या है अब हम देखेंगे आज रात। सर हम समंदर काफी अंदर आ गए हैं, अब तक वो बड़ी बोट कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं हम गलत तो नहीं आ गए? निखिल, पेशेंस का मतलब समझते हो? हाँ सर। धैर्य। और CID ऑफिसर बनने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, धैर्य और धैर्य, बहुत सारा धैर्य, समझे? जिन लोगों में धैर्य, संयम और बर्दाश्त का मादा नहीं है ना, वो कुछ और बन सकते हैं जिंदगी में, लेकिन CID ऑफिसर नहीं बन सकते। इंतजार करो, मुजरिम आएंगे और जरूर आएंगे। लीजिए सर, नाम लिया और शैतान हाजिर। ये सारी फिल्म एक बार फिर से चलेगी। श्रेय, बैठ जाओ बालकनी में, चलो भाई पिक्चर देखते हैं। बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। ए, क्या हुआ? अरे उसे क्यों मार रहे हो?
की एंट्री हो गई। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ो। हाथ छुड़वाएगा? हाथ में है ना तू, छुड़ा ले हाथ। नकली बुलेट मार्क लगा के क्या कर रहा है? अब तेरा और तेरे गिरोह का खेल खत्म। मुझे भले ही पकड़ लिया लेकिन मेरे साथियों तक कभी नहीं पहुंच पाओ। तो शायद भूल गया, मुजरिमों की खातिरदारी करना सीआईडी की बड़ी पुरानी आदत है। तुम लोग जरा इसकी खातिरदारी करो, तब तक मैं इसके साथियों की खातिरदारी करता हूँ। जल्दी घुमा ले यहाँ से, और जल्दी हो। क्या भाग रहे? मुझे ढूंढने आ रहा था ना, मैं सामने आ गया तेरे। बोल, चला कि नहीं? असली गोली है इसमें। माफ कर दूं तुझे, आत्मा बन के लोगों को डराता है, क्यों कर रहे हैं सर? अरे सब सब हम सब कलाकार लोग हैं, सब सब हमको इस बात के पैसे दिए गए थे कि पैसे लेकर के सारी रात नाव लेकर समुद्र में घूमें साहब, और जो कोई भी आता हुआ दिखाई दे उसको डरा करके भगा दे साहब। लोगों को डराने के पैसे मिलते थे, ऋतिक और निशा को मारने के कितने पैसे मिले तुम लोगों को? ऋतिक और निशा, ये ऋतिक और निशा, तुम लोगों ने इन दोनों को मारकर समंदर के किनारे की जमीन में दफना दिया था ना? नहीं सर, हाँ ये सच है कि हम लोगों ने इन लोगों को डराया था, लेकिन हम लोगों ने इन लोगों की जान नहीं ली। जी सर। किसने ली? किसने मारा इन्हें? शायद इसको उसी ने मारा होगा जिसने हमें आत्मा बनने के लिए कहा था। और किसने कहा था आत्मा बनने के लिए? कौन है वो खिलाड़ी? ए, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम लोग, खाना खाकर नहीं आया क्या? आज कौन सा लेकर लड़ाई मारने का तुम लोग को? मलाश पॉइंट पे ये बक्से लेकर तुम लोग पानी में कूदोगे और ठीक वहीं छोड़ोगे जहाँ हमारी नाव इनका इंतजार कर रही है। लेकिन बॉस, लास्ट टाइम आपका नाव बहुत दूर था, अगर 5 मिनट से ज्यादा हुआ ना तो डबल चार्ज करेगा आपको, बोल देता है। ठीक है ठीक है, बहुत पढ़ निकल आया तुम लोगों के भी आजकल। सब 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 माफ कर दो सर। गलती नहीं, पीछे चलो। गुनाह किया तुमने, गुनाह, पर गुनाह कबूलने का टाइम आ गया है। सब सब हम तो मामूली लोग हैं, हमें तो सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है, हमें तो जो वो कहते हैं हमें करना पड़ता है साहब। सही है, देखिए मछलियों के अंदर ड्रग्स के पैकेट छुपाकर स्मगल करते हैं, ड्रग्स का धंधा चल रहा है, इसलिए आत्माओं का आतंक मचा रखा था ताकि कोई भी आदमी उस खूनी दरिया तक ना पहुंचे, और तुम्हारा काला धंधा चलता रहे। रक्कू को पता चल गया तो उसको और उसकी बीवी को मार डाला तुम लोगों ने। हाँ साहब, रघु और उसकी बीवी को हमने ही मारा था, क्या करता साहब, बॉस का हुक्म था। बॉस है कहाँ तुम्हारा ये बॉस? मिस्टर गोगा, जो माल तुम्हें चाहिए वो आपको कहीं भी मिल सकता है, मगर जो क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आपके माल की क्वालिटी अच्छी है मैं जानता हूँ,
मगर दाम बहुत ज्यादा। अगर आपको चाय मीठी चाहिए ना तो उसमें शक्कर तो ज्यादा डालनी ही पड़ेगी। बेटे जरा मिस्टर गोगा को अपने माल की क्वालिटी तो दिखाओ। यस बाबा। ये देखिए गोगा साहब, बेस्ट इन इंडिया। आपके माल की क्वालिटी तो काफी अच्छी है मगर 20 मेरा फाइनल ऑफर, इसके ऊपर मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा मिस्टर गोगा, आपकी भी नहीं मेरी भी नहीं, 25 में डन करते, बोलो। ठीक है, माल की डिलीवरी कौन देगा? मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बेटा उदय। और आप फिक्र मत कीजिए गोगा साहब, आपके माल की रक्षा मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा। डिलीवरी आपको टाइम पे मिलेगी, आई प्रॉमिस। ये सीआईडी रेडी है, आप लोग वहीं पे रुकिए। सर रेडी हो गए, इनको हमारी डील के बारे में कैसे पता चला? अभी ये सर सोचने का वक्त नहीं है, चलो भागो यहां से, निकलो। ये तो भाग रहे हैं। नाटक मत कर, जब तक किए की सजा पूरी नहीं मिलती ना हम तुझे मरने नहीं देंगे। बोल क्यों मारा तुम लोगों ने निशा और ऋतिक को? सर हम गुनाहगार हैं, हम ड्रग का धंधा करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। अगर तूने जान नहीं ली तो तेरे बेटे ने जान ली है, वो दोनों तेरे दोस्त है ना, फिर भी उनको मार डाला। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा सर। नहीं मारा है? मैंने मारा सर दोनों को। क्यों मारा? दोस्त थे ना तुम्हारे? दोस्त? दोस्त के नाम पे दबा थे सर, मनीषा से बहुत प्यार करता था, ये बात जानते भी, वो उस ऋतिक से शादी करना चाहती थी सर, क्या कमी थी मुझ में, इसलिए सर प्लान बनाया मैंने, पापा की भूत वाली अफवाह का फायदा उठाकर मार दिया सर दोनों को। वाह, खेल हो गया आजकल लोगों की जान ले। वो तुमसे प्यार नहीं करती तो इतनी सी बात के लिए जान ले ली दोनों की? इतनी सी बात? ये आपके लिए इतनी सी बात होगी सर, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको मारना जिससे मैं प्यार करता था। अगर तुम सच में उससे प्यार करते तो उसकी जान नहीं लेती, उसकी खुशी में खुश होते। दो दो खून किए तुमने, तुम्हारा अंत तो फांसी के फंदे पे ही होगा। और तुम दोनों रक्त का धंधा करने के जुर्म में बाकी की जिंदगी काटो के तेल की काल कोठरी में। Thank you.
ये वही जगह है ना जहाँ पर आत्मा वाली बोट दिखती है। ये एक बहुत बड़ा रैकेट था जो सीआईडी वालों ने पकड़ लिया। ये धुन कैसी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.